हेलो चाचा, का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई हो क्या, सभी अच्छे होंगे? और आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी भी लगभग अपनी कंप्लीट कर ली होगी। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चंस। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके जो सिलेबस है 2023-24 में कितने टाइप के और कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं 2023-24 इंग्लिश आपका होगा, क्लास 12 समय आपका 3 घंटे रहेगा, 80 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। और थ्योरी का एक पेपर है। और इसमें देखो टोटल 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए नंबर में आपका रीडिंग स्किल, यानी आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे उन्हीं से रिलेटेड। ए जो पहला आपका अनसीन पैसेज होगा उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जो सेकंड वाला पैसेज होगा उसमें आपने क्या बनाना है, नोट्स करने हैं, नोट्स मेकिंग बनाने हैं, ठीक है। नोट्स, फिर नोट्स में आपका क्या जाएगा, हेडिंग, सब हेडिंग वगैरह आपने बनाने हैं। जिस सेक्शन बी जो है आपका, वो आ जाता है एडवांस राइटिंग स्किल। एडवांस राइटिंग स्किल अब बच्चों क्या है, इसके अंदर आपसे लेटर, कंपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल्स, स्पीच, ये सब आपसे करने के लिए कहा जाता है। सेक्शन सी में आपकी जो बुक्स हैं, दो फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री रीडर, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी जो आपकी बुक है वो आपके टोटल कितने नंबर की बन रही है, यहाँ पर 24 नंबर की। फ्लेमिंगो से आपका 24 नंबर का आएगा टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सप्लीमेंट्री रीडर है विस्तार, उससे आपके 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 24 और 12, यानी आपसे जो आपकी जो बुक है 4 और 2 6 26, सॉरी 4 और 2 6 2 और 3 36, 36 नंबर का आपका बुक से आएगा, 24 नंबर का आपका आएगा राइटिंग स्किल, ठीक है। और ये सारी जो आप देख रहे हैं सेक्शन बी और ए नंबर में, तो आपको मैं कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि वो आपका अनसीन पैसेज है, वो कहीं से भी आ सकता है। वो मैं आपको लास्ट में पूरा डिटेल वीडियोस पर दे दूंगा कि कैसे नोट मेकिंग करनी है, ठीक है, कैसे आपने हेडिंग सब हेडिंग यूज करना है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अनदर वीडियो में। बट आपको जो सेक्शन बी और सेक्शन सी देखने को मिला है एडवांस राइटिंग स्किल, यानी 24 नंबर की आपको एक अलग से पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। सेक्शन सी में जो आपके दोनों बुक है फ्लेमिंगो और सप्लीमेंट्री, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारे जो क्वेश्चन है वो आपको एक ही पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। यानी आपको टोटल 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगे। और अगर आपको चाहिए सिलेबस देखना है, वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक तो देखो आपका ये रहने वाला है जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री रीडर दोनों बुक के जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो सारे यहाँ पर रखे गए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 15, 16, 17, 20, 22, 16, फिर 18, ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और जो आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस हैं, वही क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ में सारे रखे गए हैं। ऐसे ही आपके जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल वाला मैंने आपको दिखाया। देखो सेक्शन बी में आपका क्या क्या आने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेक्शन बी में देखो पहला जो 1 4 नंबर का आएगा वो आएगा क्या लिखना है आपको, शॉर्ट कॉम्पोजिशन, ठीक है। यानी एक दो आपको कॉम्पोजिशन दे रखे होंगे, शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपको लिखने हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग, पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। तो 4 नंबर का इनमें से कोई एक आपको आ जाएगा, हो सकता है एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आ जाए, नोटिस लिखने के लिए आ जाए। वो सारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूँ। 14 नंबर आप देख रहे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा, ठीक है, और वो भी आपको कितने 100 से 125 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी, वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है रिपोर्ट से। ऐसे फिर लेटर जो इंपॉर्टेंट लेटर है आपके, ये 8 नंबर का एक लेटर आएगा 8 नंबर का लिखने के लिए, वो मैं आपको उस पीडीएफ में प्रोवाइड करा चुका हूँ। नंबर 6 देख रहे हैं, इसमें आपका आर्टिकल और स्पीच लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये जो आप 4 देख रहे हैं टोटल, देखो 4 नंबर का 6 4 10 10 और 8 आपका हो गया कितना 18 18 और 6 24, 24 नंबर का जो है वो आपको इस पीडीएफ में पूरा कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। जो आप ये पीडीएफ देख रहे हैं इसके अंदर आपके सारे हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है, जो 4 देखे हैं। उसके अलावा जो आपने दूसरी जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उससे जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो आपके सारे इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके इसके अंदर हमने एक एक करके सिलेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो मेन क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, सप्लीमेंट्री बुक और जो आपके सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार और जो आपकी दूसरी बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर आपको ये पीडीएफ परचेज करनी है, ठीक है, इसमें ये भी मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं, इसमें सभी लगभग लगभग 50-60% क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर एक एक करके दिखा दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। और जो बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ठीक है, 2 पीडीएफ है जिसमें आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल और जो आपका सेक्शन सी है जो आपकी बुक्स हैं दोनों, अगर इनके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और पीडीएफ से आप अगर आपको डाउनलोड करनी है, पीडीएफ से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या कर लेना है, गूगल पर जाकर के कंबोज सर सर्च कर लेना है। कंबोज सर सर्च करने के बाद आपके सामने ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है। जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो मोबाइल में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, या तो आप थोड़ा स्लाइड नीचे कर ले, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक है, या तो आप इस पर क्लिक कर लें या तो फिर ये 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए अदर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, सभी क्लासेस के टॉप 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड हमने करा दिए हैं
आप सिंपल इस टॉप 30 क्लास सेलेक्ट क्लास 12 पर टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर लेना है, यहाँ से आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद इसको मैं फुल स्क्रीन में ले लेता हूँ। इंग्लिश में क्लिक करने के बाद सिंपली आप देखेंगे यहाँ पे राइटिंग और टेक्स्ट बुक, राइटिंग में राइटिंग वाले जो आपका सेक्शन है उसमें हमने लेटर राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ, कंपोजिशन, और कंपोजिशन में मैंने आपको दिखा दिया है, नोटिस हो गया, पोस्टर हो गया, स्पीच हो गया, वो सब मैंने इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। ऐसे आपका दूसरी बुक है टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे आप इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जाकर के, यहाँ पे आपको दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक तरफ आप देख रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश राइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो दोनों पीडीएफ है वो आपको कितने, एक तरफ 45 और एक तरफ 40, लगभग 85 के आपको ये दोनों पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको दोनों एक साथ लेनी है तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। 30% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सिंपली आपने क्या कर लेना है, देखो आपने क्या कर लेना है, कोड अप्लाई कर लेना है, आपने टाइप करना है सिंपल कंबोसर 30, यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा जब आप कंबोसर 30 अप्लाई करेंगे। जो आपका 85 की टोटल एक पीडीएफ बन रही है उस पर 25% आपका लेस होकर के टोटल ₹60 में आपको इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश के जो सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इजिली देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद सिंपल आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आप फोन पे गूगल पे जिसके थ्रू आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है, स्कैनर कोड मिल जाएगा, उससे भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगर पेमेंट वगैरह में कोई इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे रखा है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी जो भी आप अपने बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं वो आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो इसको आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा, यहाँ पर हमने पूरी डिटेल्स दे रखी है, उसके बाद आप जा सकते हैं डाउनलोड करने के लिए। तो आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो मैं वापस लेकर के चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, ठीक है। और ये जो अगर देखो, अब इसमें मैं लेटर वगैरह तो नहीं दिखा रहा हूँ, और मेन जो है हमारे कि इसमें मैं आपको जो आपके बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको ज्यादातर यहाँ पर आज बता दूंगा, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं परचेज करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आप पीडीएफ परचेज कर लेते हैं तो थोड़ी सी हमारी हेल्प भी हो जाएगी, और बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो हमारे साथ पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको आपकी पोएम का थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, तो ये एक आपकी पोयम है, ठीक है, माय मदर एट 66 वाली ये पोयम है। तो इससे रिलेटेड देखो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट अबाउट हर, सॉरी, पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, व्हाई हैज द फेस ऑफ हर मदर बीन कंपेयर टू अ कॉर्प्स, ठीक है। तो इसके आप आंसर जो है वो आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख रहे हैं, व्हाट डज द पोएट शी सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। तो इसका आंसर आप बच्चों यहाँ पर पढ़ लेंगे, क्योंकि आंसर पढ़ने जाऊंगा काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, इसलिए टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। तो अगर आप चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको मैंने पीडीएफ दे दी है कि कहाँ से आप जाकर इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड आपका, वेयर वॉज द पोएट गोइंग, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोयम माई मदर एट 66। तो आपने इसको अच्छे, दोनों क्वेश्चन देखो आपके इंपॉर्टेंट है, 19-17 में प्रश्न पूछे गए हैं और इस पर पूरे पूरे चांस हैं क्वेश्चंस के आने के। अगला प्रश्न है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून, और ये तो 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसी के नीचे आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट सिग्निफाई इन द पोएम माई मदर एट 66। इसको आपने देख लेना है, और ये आप डिटेल में जब अगर आप देखना चाहते हैं पीडीएफ आप लोग को वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है, वो है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। थीम क्या है कीपिंग क्वाइट का, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। तो इसको आपने एक देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, देखो ये सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देख लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, व्हाट वाज द प्ले ऑफ दैट फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। एक इसको आपने देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद है ये, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर टू। इसको आपने देख लेना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको फालतू लगेगा या फिर कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो आ ही नहीं सकता। सारे हमने इस क्वेश्चन जो यहाँ पर रखे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब, डिड ही नो व्हाट इज द मीट, व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट।
तो साहिबे आलम वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, कैसे वो कबाड़ वगैरह बीनता था, और उसके बाद कैसे उससे एक महिला आकर के मिलती है जो कवित्री भी है, कवित्री कह रही हूँ, लेखिका है इस स्टोरी की, ठीक है। तो उसने पूरा उसके बारे में डिटेल से बताया, और लास्ट में जब वो साहिबे आलम जो है चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है, तो उससे जाकर के फिर मिलती है, तो क्या तुम पूछती है उससे जाकर के कि क्या तुम यहाँ पर काम करके खुश हो, तो वो कहता है कि अब मैं अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया हूँ, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। तो ये वाला चैप्टर भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसका अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये लॉन्ग वाले मैंने आपको बताया ना कि सारे क्वेश्चन आपको जो वेरी शॉर्ट आते हैं, शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हमने इसी पीडीएफ के अंदर रखे हुए हैं। ये सारी जो आप देख रहे हैं इसमें दोनों बुक्स के, यानी आपके पोयम स्टोरी, ठीक है, उसके बाद जो आपकी विस्तार वाली बुक है उसके सारे यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इन पीडीएफ को परचेस कर लेंगे तो काफी हमारा भी सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जो आप वेबसाइट देख रहे हैं वो उसके जो मेंटेनेंस चार्ज है वो काफी ज्यादा रहता है, तो वो थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाएगी। बाकी आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर ऐसा भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों जो हैं उनको भी यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और कूपन कोड आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, कंबोसर 30, अगर आपको 30% डिस्काउंट चाहिए तो आप कंबोसर 30 वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चा चार सब्जेक्ट मिनिमम, मतलब जो जो बच्चा चार सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉप 30 क्वेश्चन की पीडीएफ परचेज करता है, उसको हम एक सब्जेक्ट कोई भी, मतलब आप कोई भी चार खरीद लो, उसके साथ हम एक सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तीन आप सॉरी चार आपने परचेज कर, अगर एक साथ परचेज करते हैं तो पांचवा जो सब्जेक्ट आपका रहेगा उसके जो पीडीएफ है सारी, ठीक है, वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे बस। और प्लस उसके अलावा उन बच्चों को जो हमारे पांचों सब्जेक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, चार सब्जेक्ट परचेज करने के साथ साथ एक फ्री में मिल जा रहे हैं, यानी पांचों सब्जेक्ट परचेज कर लिए, तो उन बच्चों को हम स्पेशली एग्जाम तक गाइड करेंगे, और हर एक एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स उनको स्पेशली हम व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिंक हमने दे रखा है, ठीक है। बाकी जो बच्चे चारों सब्जेक्ट या चारों सब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं, मिनिमम चार सब्जेक्ट परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक हम अलग से ग्रुप बना रहे हैं ताकि हम उनको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से उनको बताते रहे एग्जाम तक, ठीक है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी तो जरूर आप पीडीएफ को परचेज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी को बेस्ट विशेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सभी को अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।